हम अब वन बाय वन इन डाटा टाइप्स को देखने जा रहे हैं इन डिटेल कि इसका क्या, कौन सी डाटा टाइप कहाँ यूज़ होनी चाहिए। ये देखेंगे इसका कुछ डाटा टाइप, जैसे लिखा हो शॉर्ट इंट, ये इसका नाम है, यानी इसको हम डिक्लेयर करेंगे शॉर्ट इंट करके, और साइज बताया इन बाइट्स। ठीक है, तो ये 2 बाइट इसका साइज है लिखा हुआ है। जैसे हमने पहले इंट डिक्लेयर किया था, इंट का साइज था 4। ठीक है, इंट का साइज 4 था। क्या मतलब है इस साइज का? इसका मतलब है मैक्सिमम कितनी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा टाइप के अंदर आ सकती है। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन इनपुट, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन इनपुट लेनी है, कंट्री ओपन है कोई भी कंट्री, और मैं शॉर्ट इंट वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा? मेरा वैल्यूज़ जो है वो उसमें पूरी नहीं आएंगी। इसकी रेंज लिखी हुई है, या आप रेंज चेक करें, -32,768 से लेके यहाँ तक, 32,767 तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर इसके बाद देखो अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, साइंड का क्या मतलब होता है? ये शॉर्ट इंटीजर का मतलब है माइनस और प्लस, मिनिमम इतनी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम इतनी। लेकिन अगर आपने अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर लिया है टाइप, तो 0 मिनिमम होगी, मैक्सिमम ये होगी। इस वेरिएबल में हम माइनस, इस डेटा टाइप में हम माइनस वैल्यू सेव नहीं कर सकते। इसी तरह इंट में भी हम अनसाइंड इंट अगर लेंगे, उसमें भी माइनस वैल्यू सेव नहीं कर सकते। ऐसे इंट हमारे पास है 4 4 बाइट साइज। अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं थोड़ी देर में, इसी क्लिप के अंदर। 2 4, और ये इसका आपस में क्या लिंक है, ये जो इधर राइट साइड पर वैल्यू लिखी हुई है। इंट इंट में देखें माइनस इतनी वैल्यूज, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, ये इतनी वैल्यूज़ है इंट के अंदर। तो इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री की क्या पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हो सकती है, वो आप यहाँ से यूनिट और टेंस करके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी टाइप लेनी चाहिए। अगर आप कहते हैं नहीं इससे भी ज़्यादा होगी लॉन्ग इंट, तो ये लॉन्ग इंट वैल्यू है। इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग इंट, आप किसी कंट्री की पॉपुलेशन माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो ये हमारे पास 0 2, दिस वन हम ये ले सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग इंट, ये भी 2 रेज टू पावर 63, अगर आप इसकी वैल्यू चेक करें, इतनी बड़ी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं। इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो ये इसकी टाइप, यानी इसका मतलब है कि आपके पास प्रोविजन मौजूद है कि आपने किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह की डेटा टाइप लेनी है, डिपेंड ऑन इनपुट आपको क्या करने जा रहे हैं आप। अगर हम दो नंबर्स की बात करें, दो नंबर को सम करना है, तो मे बी इंट हमारे लिए काफ़ी हो। ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं, तो इट लुक लाइक आल्सो कि इंट आपके पास, फिर आपको शॉर्ट इंट लेना चाहिए, अनसाइंड शॉर्ट इंट लेना चाहिए, जो मिनिमम आपके पास अवेलेबल है। मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं तो नेगेटिव वैल्यू ले, वरना पॉजिटिव वैल्यू लें। अब हम इसको देखते हैं, फिर हम ये साइंड करेक्टर और अनसाइंड करेक्टर की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप्स की बात करने जा रहे हैं कि इंटीजर में हमारे पास किस तरह हम ये वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी नाउ ओपन द कोड, कोड एडिटर, इसी कोड पे हम बात करेंगे। तो मैं अभी जस्ट राइट नाउ इतना लिखता हूँ, सी आउट इंट ए। अब हम बात करेंगे इंट ए, और हमने इंट की क्या बात की थी, इंट में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इंट में हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। मैं अभी शॉर्ट इंट लेने जा रहा हूँ, और ये वैल्यूज इसमें एंटर करूंगा इससे ज्यादा, तो लेट्स सी क्या होता है। हमने कहा जी हमने इनपुट करना है इंट नहीं, शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट ए। ए इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 32,767। तो जी अभी यही एंटर करके देखते हैं, फिर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा। ए, अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ, इसको दोबारा रन करते हैं। शायद ये नीचे स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, 1 मिनट।
रन करते हैं इसको, यस इसको रन करते हैं हम। अब ये देखेंगे आपकी वैल्यूज थे 32,767, वैल्यू बिल्कुल ठीक दी। अब मैं इससे बढ़ के वैल्यू इसको देता हूँ, है ये शॉर्ट इंटीजर, ठीक है शॉर्ट इंटीजर की रेंज माइनस में 32,768 से प्लस तक 32,767 तक है। तो मैं ये कहता हूँ अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 8, 8 तो इसकी रेंज में नहीं है, ये तो इसकी रेंज से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये जो इसकी जो वैल्यू है इसको आप दोबारा देखें, मैक्सिमम पॉजिटिव में ये वैल्यू है, आप इससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते, नेगेटिव में 8 जरूर है। ठीक है लेट्स सी अब ये क्या करेगा, इस चीज़ को हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। ये वैल्यू आप नोट करें, उसने क्या किया बैक चला गया, यानी एक एक वैल्यू थी जो कि स्टार्ट हो रही थी, इसको अगर देखें तो ये नेगेटिव में चला गया। रीज़न ये कि उसके पास जो रेंज है वो रेंज ही इतनी है, तो जब आप इससे बढ़ के देंगे तो उससे वापस इस वैल्यू पर जाना है, दो एक और बढ़ा देंगे ठीक है, तो वो क्या करेगा और बैक पर चला जाएगा, तो नेगेटिव में माइनस 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 वैल्यू चेंज करता जाएगा। यानी अगर मैं इसमें एडिशन भी करूँगा, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखने के बाद मैं ये कहता हूँ जी हम इसके अंदर 7 ही रखते हैं लेकिन 2 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ जी ए में ए इज इक्वल टू जो भी ए की वैल्यू है इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दे, तो होना क्या चाहिए था, आइडियली तो आना चाहिए था 69 आना चाहिए था, जो हम सोच रहे थे कि ये तो 69 आएगा, लेकिन ये क्या होगा माइनस की तरफ ये इसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स सी दिस, ठीक है 32,676 ये माइनस की तरफ उसने सर्कुलेट करना शुरू किया, आप जितना उसमें इंक्रीमेंट करेंगे वो वैल्यू इससे बढ़ने के बाद, 7 से बढ़ने के बाद माइनस में जाती जाएगी। ठीक है तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने कोई वैल्यू ऐसी आपको लॉन्ग वैल्यू चाहिए तो उस हिसाब से आपने डाटा टाइप चूज करनी है। ठीक है यू शुड नो कि आपकी इनपुट की टाइप क्या है, अगर मैं इसी वैल्यू को इंट रखूंगा जो हमने अभी काम किया शॉर्ट इंट की बजाय मैं इंट दूंगा इसको, नॉट शॉर्ट इंट लेट मी राइट इंट, अब क्या होगा अब ये आपकी वैल्यू 69 आएगी। यस लेट वन मिनट इंट ए ए ओके ओके यस, एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक सबसे अहम चीज़, ये जो डाटा टाइप है ना ये डिपेंड कर रही होती है आपकी आर्किटेक्चर के ऊपर भी, यानी जो कंपाइलर के ऊपर भी, अगर आपका कंपाइलर 32 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो इंट होगा 2 बाइट का होगा, रिमेंबर दिस, अगर इसको आप अपने कंप्यूटर पे करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको 2 बाइट ही दे, ये आपको आपका आर्किटेक्चर जो है 64 बिट होगा ठीक है, तो वो आपको देगा ये वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करने देगा, लेकिन ये जो है ना जो कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 32 बिट कंपाइलर है, GCC का 32 बिट कंपाइलर, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है। सो रिमेंबर दिस कि ये जितनी ये जो बाइट साइज है आपके किस पे डिपेंड करते हैं, ये बाइट साइज आपके डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए कि आपके पास किसकी क्या साइज अवेलेबल है, तो हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है, मैं डायरेक्टली ये काम करता हूँ कि मैं वो फंक्शन यूज़ करता हूँ सी और प्रिंट करवाते हुए, मैं कहता हूँ जी मुझे इसका साइज बता दे जो भी हमारी डाटा टाइप है इंट, तो मैं इसको लिखूंगा साइज ऑफ, साइज ऑफ यूज करेंगे, ये एक फंक्शन है सी प्लस प्लस का जो कि आपको जो डाटा टाइप यहाँ लिखेंगे उसका साइज आपको प्रिंट कर देगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं, टू बाइट का इंटीजर है इसमें, तो ये एक्चुअली इसका साइज बताएगा कितने बाइट का है। ठीक है अगर हम इसका कंपाइलर चेंज करने की कोशिश करें, लेट ट्राई अदर कंपाइलर, तो देखते हैं अब वहाँ पे क्या है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है चेंज होने की इसकी या नहीं। iostream.h यहाँ इस कंपाइलर में ऐसे नहीं लेता, इस कंपाइलर में आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है ये डिफरेंट कंपाइलर है, और इस कंपाइलर में भी हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंट कंपाइलर्स हैं जो भी आप यूज़ करें उस हिसाब से, यूजिंग
नेम स्पेस, ये अब इसका स्टार्ट चेंज हो गया, मैंने कंपाइलर चेंज किया तो उसका स्टार्ट किसी और तरह होगा, ठीक है, तो आपने उससे अभी परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। यूजिंग वर्ड, यूजिंग 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 नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी, ठीक है। फोर नजर आ गया आपको, ये नीचे फोर, ये आपको फोर दिखा रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यही प्रोग्राम जो ये वाला किया है C++17 के कंपाइलर से करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू प्रॉपर आएगी, ये चेक करें, ए। तो मैं अभी ऑनवर्ड यही कंपाइलर यूज़ करूँगा। सो यू कैन सी 32,769, ये चीज़ आपकी इंक्रीमेंट हो गया। ये जो मैंने वैल्यू आपको लास्ट दी हुई है ये 64-बिट कंपाइलर की ही वैल्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आएंगे अगर आप ये कंपाइलर यूज़ करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन ये रह गया कि भाई ये वैल्यू कहाँ से, कैसे इन्होंने मुंह उठा के ऐसे कर दिया कि मिनिमम ये होगी और मैक्सिमम ये होगी, नो ये इस तरह नहीं है ये चीज़, ये बड़ी सिंपल चीज़ है। अब आपको एक चीज़ रिकॉल करने जा रहा हूँ मैं, आप बता सकते हैं कोई आप में से के एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, अगर आपको रिमेम्बर हो थोड़ा सा, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो ये कितना है, 2 बाइट, 2 × 8, तो कितने हो गए, 16 बिट हो गए। अब आपने ये करना है 2 रेज टू पावर 16 करना है, ठीक है, इसको आप अपने कैलकुलेटर पे करें, 2 रेज टू पावर 16 शॉर्ट इंटीजर है, अनसाइंड नहीं है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 65,536, इसका आपके पास आंसर आया है। अब क्योंकि ये शॉर्ट आपका अनसाइंड इंटीजर नहीं है, साइंड इंटीजर है, शॉर्ट इंट, इसका मतलब है आधी वैल्यू पॉजिटिव होंगी और आधी नेगेटिव होंगी, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, हाफ होगा 32,768, ये इसका हाफ है, तो ये इतनी वैल्यू मिनिमम नेगेटिव में हो गई और इतनी ही इसका बाकी बचेंगे, तो वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 अप टू 32,767 बनती है, क्योंकि 0 इसमें शामिल हो गए, टोटल वैल्यूज ये कितनी बन जाती हैं, पॉजिटिव में भी इतने ही काउंट बन जाते हैं, तो ये जितनी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, ये ऑल वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे होगी कि क्योंकि अनसाइंड है, अनसाइंड की चेक करें, अनसाइंड का मतलब 0 से स्टार्ट होंगी, तो जो इसका आंसर आ रहा है 2 रेज टू पावर 16, 2 रेज यानी हर एक के अंदर कितने बाइट होते हैं, 8 बिट होते हैं, तो 16, तो हम कहेंगे 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू दिस, ये क्योंकि अनसाइंड है इसलिए 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक रहेंगी, ये भी अनसाइंड है, इसमें क्या करना है, 2, 4 × 8, तो ये कितना होगा, 32, तो 32, 2 रेज टू पावर 32, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि ये अनसाइंड है तो 0 से शुरू होगी यहाँ तक वैल्यूज, ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस तरह इंटीजर, इंटीजर्स जो होता है वो साइंड होता है, तो इसका हाफ कर लें, ये जो ऊपर वाला आया ना हमारे पास, इसका हाफ कर लेंगे, आधी वैल्यू इधर नेगेटिव में और आधी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगी। इसी तरह लॉन्ग इंट, ये भी आपकी लॉन्ग इंट की वैल्यू भी ऐसे ही है जैसे कि आपकी इंट की है, ये सेम ही वैल्यूज हैं। अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो ये उसकी वैल्यूज आएगी, ये जितनी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह यू कैन डू लाइक दिस, 8 × 8, तो 2 रेज टू पावर 64, ये जो आया ये आंसर आएगा इसका, ये आप चेक कर सकते हैं। सो लाइक दिस, ये आपका, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सारे की, आपकी जो यानी जो ये स्क्रीन पे आंसर आ रहे हैं ये आप अपनी अपनी खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। करना क्या आपने, यू नो कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, जितने बाइट की वो डाटा टाइप है आपने उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 8, तो ये चीज़ निकल आएगी इससे, अदरवाइज आपको ये ज़ुबानी याद करना है तो वैसे याद कर लें, अदर नहीं तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये करेक्टर और ये फ्लोट और डबल ये क्या चीज़ है, इस पे किस तरह ये चीज़ होगी, और फिर थोड़ा सा फर्दर इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे इन सारी वैल्यूज़ का, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।